बाराबंकी में बेटे की नौकरी के लिए कथित तौर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष को दिए गए रुपए वापस मांगने को लेकर एक महिला द्वारा उनकी हाईवे पर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। पीड़ित महिला ने नौकरी न मिलने के बाद मंडल अध्यक्ष पर पैसे वापस न देने का आरोप लगाया है। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि लेनदेन का मामला है, दोनों पक्षों की तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 2/9/21 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जो जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के बिलो चौराहे का है, जिसमें कल दिनांक 1/9/21 को एक महिला और त्रिवेदीगंज के भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा के मध्य विवाद होने का है, जिसमें दोनों के मध्य गाली गलौज मारपीट आदि की घटना घटित हुई थी। दोनों पक्षों ने थाना लोनी कटरा पर तहरीर दे दी है। महिला का कहना है कि उत्तम वर्मा ने उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे 1,75,000 रूपए से 2 साल पहले लिए थे और काफी कहने सुनने के बाद भी अब तक पैसा वापस नहीं किया है, जबकि उत्तम वर्मा का कहना है कि उन्होंने 1,30,000 रूपए कैश दिए थे, बाकी पैसा चेक के माध्यम से वापस कर दिया है। उत्तम वर्मा का यह भी कहना है कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, उन्हें बेइज्जत करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोनों प्रार्थना पत्रों की गहराई से छानबीन की जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।